आप सभी को अनुराधा का नमस्ते। तो आज मैं जा रही हूँ नर्सरी पर देखने के लिए कि कौन कौन से प्लांट आए हुए हैं और कौन से फ्लावर प्लांट आए हुए हैं, ताकि मैं उसको ले सकूँ और कुछ डेकोरेशन के लिए प्लांट्स ले सकूँ। ये नर्सरी सिरसपुर में है और जो कि बादली में है, और यहाँ पर मैं अक्सर आती हूँ, यहीं से मैं शॉपिंग करती हूँ अपने प्लांट्स की। और यहाँ पर जब मैं सुबह आती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पक्के मकान बन गए हैं, पहले बहुत ही ग्रीनरी थी और ट्रैफिक भी आज ज़्यादा लग रहा है। ट्रैफिक यहाँ पर एक साइड का चल रहा है, एक साइड रुका हुआ है, लगता है कोई बड़ी प्रॉब्लम है। तो ट्रैफिक गाड़ियाँ चलनी शुरू हो गई हैं हमारी साइड का ट्रैफिक। और सुबह तो बहुत ही अच्छा लगता है, शहर में अगर कहीं वातावरण शुद्ध देखें तो ये जगह बहुत अच्छी है। दोनों साइड नर्सरीज हैं इसके, और जब फ्लावर्स उसमें लगे होते हैं, मतलब फ्लावर प्लांट आए होते हैं, तो इसका व्यू बहुत ही सुंदर लगता है। मैं नर्सरी में पहुंच गई हूँ, यहाँ से मैं बहुत सारे प्लांट खरीदती हूँ। ये है अंकुर नर्सरी और यहाँ का मैं आज विज़िट कराऊँगी आपको, दिखाती हूँ कि इस नर्सरी में कौन कौन से प्लांट्स आए हैं। ये है गेंदे के प्लांट और इसमें बहुत अच्छी वैरायटी है। और यहाँ पर पैंजी आया हुआ है, पैंसी के लगभग सभी कलर आए हुए हैं, पैंसी के सभी कलर हैं और बहुत सारे कलर्स हैं। और डेंथस के भी लगभग सभी कलर की प्लांट्स आ गए हैं। अगर आपके यहाँ का मौसम में थोड़ी सी ठंडक हो गई है तो आप ये प्लांट ज़रूर लगाएं। ये हैं डॉग फ्लावर्स के, ये है नाग चंपा, ये भी आपको नर्सरी में मिल जाएगा। सेंसोवेरिया की जेरेनियम भी सभी कलर में आ गया है और इसमें भी बहुत सारे डिफरेंट कलर हैं। सर्दियों का बहुत ही खूबसूरत प्लांट है ये, और ये थोड़ा महंगा आता है। आप पिटूनिया लगा सकते हैं, पिटूनिया तो बहुत ही अच्छा प्लांट है, इसकी आप बास्केट बना सकते हैं, बेगुनिया की बास्केट बना सकते हैं, मतलब बास्केट में लगा सकते हैं। इसको वेल्डन सॉइल में लगाइए। अब मैं आपको नर्सरी दिखाती हूँ। इनकी नर्सरी में सेकुलेंट प्लांट बहुत आते हैं और बहुत अच्छी क्वांटिटी में होते हैं और क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। तो ये एरोहेड प्लांट की वैरायटी है और जिसे हम सिंगोनियम कहते हैं, सिंगोनियम के सभी कलर हैं। मेरे पास भी इसकी 4-5 वैरायटी है। ये बास्केट में लगे बहुत अच्छे लगते हैं, आप किसी छायादार जगह पे लगाएं तो बहुत ही खूबसूरत इसकी बास्केट या प्लांटर में सुंदर लगते हैं। अडेनियम आप ले सकते हैं, नर्सरी में अडेनियम आया हुआ है जिसके फ्लावर का साइज भी बहुत बड़ा है और कलर भी बहुत अच्छा है। और अगर आप सकुलेंट और कैक्टस प्लांट के शौकीन हैं तो बहुत सारे कैक्टस प्लांट तरह तरह के आपको देखने में मिलेंगे, आपकी नर्सरी में भी मिलेंगे, और बहुत ही सुंदर लगते हैं ये कैक्टस प्लांट मिनिएचर के अंदर। और एचेवेरिया की बहुत सारी वैरायटी है। ये सकुलेंट प्लांट अभी नया माल आया है और थोड़ा इनकी कॉस्ट भी ज़्यादा है। इनके पास हवर्थिया की बहुत वैरायटी है। मेरे पास जितने भी सकुलेंट प्लांट हैं ज़्यादातर यहीं के खरीदे में हैं। और
यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत कैक्टस भी दिखाती हूँ। ये जो है इनके खुद के लगाए हुए प्लांट्स हैं और इनके पास इम्पोर्टेड कैक्टस भी मिलते हैं। ये देखें, ये बहुत ही अच्छा कैक्टस है। कैक्टस की बहुत वैरायटी होती है इनके पास। आपकी लोकल नर्सरी में भी वैरायटीज मिलेंगी। और ये देखिए एचेवेरिया, ये अभी भी इनका माल आया है और देखने में बिल्कुल नकली लग रहे हैं ये। पीछे रखे हुए एचेवेरिया इससे भी बड़े बड़े साइज के इनके पास। आपको कलंचू मिल जाएगा और सभी रंगे कलांचू के इनके पास। और ये है रसुला वाटा मिल जाएगा, जिसे हम चाइनीज मनी प्लांट कहते हैं। और यहाँ पर बहुत सारी आपको मारेंटा की वैरायटी देखने को मिलेगी, जिसे हम प्रेयर प्लांट कहते हैं। ये है गोल्डन बॉस्टन फैन और ये देखने में बहुत ही सुंदर है। इसकी हैंगिंग बास्केट बहुत अच्छी लगती है। आमतौर पे इसके दो कलर आते हैं, एक गोल्डन और एक ग्रीन, लेकिन ये जो वैरायटी है थोड़ी डिफरेंट है। आप देख रहे हैं इसके पत्तों में वेरिएटेड है ये, और इसके पत्तों पे भी गोल्डन और ग्रीन। आप देख ही रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है ये। तो आप इस तरह का प्लांट भी लगा सकते हैं। यह है जेड प्लांट, जो कि कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है। कहीं से भी आप लाके कटिंग लगा सकते हैं इसकी। और ये है मधुमालती, ये छोटी प्रजाति की है और ये जो है इसकी हाइट ज़्यादा नहीं जाती है, लगभग 3-4 फुट। और इसमें देखिए फूल भी लग रहे हैं, ये देखिए। तो अब मैं अपने घर की ओर बढ़ रही हूँ और जल्दी मैं अपने घर पहुँच जाऊँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या ख़रीदा। अपने घर आ गई हूँ और मैंने ये ख़रीदा है क्लेमेटिस। इसके वाइट कलर के फूल हैं, वैसे तो ये बहुत ही रंगों में आता है। एक साल पहले मैंने छोटा सा प्लांट देखा था इसी नर्सरी में, तब ये बहुत ही कॉस्टली था और आज ये बहुत ही बड़ा प्लांट मेरे को 70 रुपीज़ में मिल गया है। बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इसकी और ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये रेड मिट्टी में लगा हुआ है, इसको मैं शिफ्ट करूँगी गमले में। दूसरा मैंने मनी प्लांट ख़रीदा है, जिसे हम पोथस कहते हैं। ये भी गोल्डन और ग्रीन, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये। इसकी एक वैरायटी ऑलरेडी मेरे पास है और ये है मेरा मधुमालती का पौधा। और ये भी मैंने लिया है, इसको कट कर दूंगी ताकि बुशी हो जाए। और ये है मेरा चिमिडोरा का प्लांट, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप टेबल पे रखिए इसे और इसकी हाइट ज़्यादा नहीं जाती है। और इसके अंदर ये वैसे बहुत महंगा प्लांट आता है, ये मुझे बहुत ही कम रेट में मिला है और इसको मैंने लिया है 60 रुपीज़ में। और जो महंगे आते हैं उसके अंदर जैसे 250 रुपये का आता है, तो उसमें 3-4 प्लांट लगे होते हैं और इसकी केयर करना भी आसान है। इसको मैंने शिफ्ट कर दिया है मिट्टी में, ये भी लाल मिट्टी में लगा हुआ था। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप भी ऐसी नर्सरी से जाकर अपने पसंद के प्लांट खरीद के ला सकते हैं। अगली वीडियो पर फिर मिलेंगे। बाय।